काशीपुर में करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। एसपी अभय सिंह ने बताया कि संजीव पाल अरोरा, जो कि सीड प्लांट व्यवसायी है, उन्होंने धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया है। उनका कहना है कि व्यापार के चलते उन्होंने बैंक से लोन लिया था, जिसका ब्याज मिलाकर अधिक धन राशि हो गई, जिसके सेटलमेंट के लिए प्रयास कर रहे थे। राकेश और अनुकंपा भट्ट ने बैंक सेटलमेंट के नाम पर 1,50,00,000 की रकम धोखाधड़ी से ली गई। पुलिस ने जांच के बाद मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। काशीपुर से अतुल तिवारी की रिपोर्ट। देखिए, एक संजीव पाल अरोड़ा जी हैं काशीपुर के, इनके द्वारा एसएसपी महोदय को एक प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिसमें इनके द्वारा ये बताया गया कि ये सीड प्लांट चलाते हैं और इनके द्वारा बैंक से लोन लिए गए थे, जिसमें कि बाद में ब्याज वर्ग जोड़ करके कुछ रकम काफ़ी अच्छी हो गई थी, जिससे बैंक से सेटलमेंट का ये प्रयास कर रहे थे। इसी बीच में राकेश थापर और अनुकंपा भट्ट नाम के दो लोग इनसे मिलते हैं और वो ये कहते हैं कि बैंक से हम आपका सेटलमेंट करा देंगे, जो कि दिल्ली के रहने वाले हैं। और इनका ये कहना है कि उन्होंने अलग अलग चेक संख्या से और अलग अलग मैसेज भेज करके इनसे लगभग 1.5 करोड़ रुपए की ठगी कर ली। इसकी जांच क्षेत्र अधिकारी के द्वारा किया गया। प्रारंभिक तथ्यों की पुष्टि होने के बाद एसएसपी महोदय द्वारा इसमें मुकदमे का आदेश किया गया। इसमें अभियोग पंजीकृत किया गया, जिसमें 420 और 467-68-71 जो आईपीसी की सेक्शन है, उसमें अभियोग पंजीकृत किया गया है। इसको मेरिट के हिसाब से हमारे द्वारा अग्रिम कार्रवाई